नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न 7 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखो बच्चों, यह वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर और यह केंद्र पर, ये जो दो त्रिज्याएं हैं या ये जीवा जो है, यह 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यह जो संगत वृत्तखंड है, यह वाला, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें दिया गया है कि पाई हमने 3.14 ही लेना है और रूट 3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र हमने अभी तक बहुत बार कर लिया है, वह है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो आइए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बच्चों देखो, थीटा दिया हुआ है अब 120 डिग्री। अभी इसमें एक चीज नहीं होगी, वो मैं आपको दिखाता हूं। बटा है 360 डिग्री गुना पाई, पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14, तो यही लेनी पड़ेगी। और आर स्क्वायर, आर है 12, तो ये हो जाएगा 12 × 12। ये हो गई पहली ब्रैकेट बंद, बीच में है माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर है 12 × 12 गुना साइन थीटा, थीटा है 120 डिग्री। अब बच्चों सबसे बड़ी समस्या ये है कि साइन 120 डिग्री कैसे हल करेंगे, क्योंकि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया था उसमें तो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री किया था, साइन 120 तो हमने किया ही नहीं है। तो इसे कैसे हल करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए, ये 0 से 0 कट गई, 12 से 36 कट जाएगा, 12 × 36, 3 से 12 कट जाएगा, 3 × 12। तो बाकी जो हमारे पास बच गया वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास बचा 3.14 गुना 4 गुना 12, 12 × 4 होता है 48, को जब 3.14 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150.72। इसको गुना करके 12 × 48, 48 को जब इससे गुना करेंगे तो 150.72 आ जाएगा। माइनस इस तरफ देखिए बच्चों, 2 से 12 कट जाएगा, 6, 2 × 6 = 12, अभी हो गया 12 × 6 = 72 गुना साइन 120। साइन 120 का मतलब साइन 90 + 30, 90 डिग्री + 30 डिग्री, क्योंकि 90 + 30 120 होता है। और बच्चों हमें पता है कि साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 0.72 माइनस 72 गुना साइन 90 + 30, साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यह है 150, बेटा ये माइनस नहीं है, पॉइंट है, 150.72 माइनस 72 गुना कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2, 2 से 72 कट जाएगा 36, हमारे पास आ गया 150.72 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाय √3, √3 की वैल्यू हमें दिया 1.73 लेनी है, तो हम ये ले रहे हैं 1.73 और ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये आ गया 150.72 माइनस 36 को जब हम 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को अब हमने माइनस करना है।
150.72 में से 62.28, देखिए 12 में से 8 गए 4, 6 बचा, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 2 गए 8 और 14 में से 6 गए 8, तो हमारे पास आ गया 88.44, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो देखिए बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को हल किया है और इसमें हमें सिर्फ एक ही दिक्कत थी, बाकी तो हमने पहले इस प्रकार के प्रश्न किए ही हैं, बस साइन 120 का ध्यान रखना, 120 यानी 90 से बड़ा जब एंगल आ जाए तो हमने वहां पर साइन 90 प्लस थीटा यूज किया और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, बस कॉस 30 की वैल्यू हमने √3/2 भरी, बाकी हमने कैलकुलेशन करके अपने उत्तर को निकाल दिया है। बच्चों जिस भी स्टेप से आपको यह प्रश्न समझ ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर थोड़ा सा रिवाइंड करके और इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को भी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप अन्य वीडियोस को देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।